बिहार में महागठबंधन में भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से दरार पड़ने लगी है, पहले जेडीयू ने विवादित बोल पर कार्रवाई की मांग की, फिर आरजेडी में विरोध के स्वर बुलंद हो गए और अब कांग्रेस शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर मुखर हो गई है और कड़े शब्दों में बयान वापस लेने की मांग की जा रही है। इन सब के बीच में बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राम पर सवाल, आरजेडी जेडीयू में खुलकर यलगार, शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुखर हुई कांग्रेस जेडीयू, हिंदू धर्म छोड़ें या माफी मांगें शिक्षा मंत्री। बिहार में महागठबंधन में राम नाम पर शुरू हुई कलह कथा अब चरम पर पहुंच गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के खिलाफ महागठबंधन के घटक दल मुखर हैं। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने शिक्षा मंत्री पर करारा प्रहार किया, बोले शिक्षा मंत्री का मानसिक। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। संतुलन खराब है, या तो वो हिंदू धर्म छोड़ें या माफी मांगे। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है और उनके बारे में अनाप शनाप बयान देना, मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए। तो अभी भी वक्त है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आ करके माफी मांगना चाहिए, गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें। जेडीयू आला कमान भी रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर मंत्री अशोक चौधरी तक लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अशोक चौधरी का दावा है कि जेडीयू आरजेडी के फैसले को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने के लिए। देखेंगे आरजेडी के लोग, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया है कि उसको आरजेडी के लोग देखें ठीक से उसको, सो दैट कि एक जो डैमेज है वो डैमेज ना हो, एक जो भावना है उसकी उसका सम्मान रहे, तो अब बात करेंगे वो लोग। लेकिन उसके अलावा और कोई, हमने तो अपनी बात कह दी कि भाई हम लोगों को उचित नहीं लगा कि इस तरह का बयान देना। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ महागठबंधन में कलह की स्थिति बनाई है। जेडीयू अल्टीमेटम दे रही है तो कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने की हिदायत दी है। हैरत की बात है कि जिस बयान को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारे तक कोहराम मचा है, महागठबंधन में दरार पड़ रही है, उस विवादित बयान के साथ अभी भी आरजेडी खड़ा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की दलील है कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस या भगवान राम पर सवाल खड़े नहीं किए, है ना हैरतअंगेज दलील। एडी है, उन्होंने कहा मैंने जो कहा है वो सही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, राम चरित्र मानस पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुष रहे, वो हम लोग उसको बड़ी पूजा करते हैं और वो सभी जाति केवट हो समरी हो जो भी सबको लेके साथ चले हैं। उन्होंने कैसे बयान दिया मैं नहीं जानता, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ और मैं उनसे आग्रह करूंगा इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रामचरित मानस पर भगवान राम पर सवाल नहीं खड़े किए, ये बात सबको समझनी चाहिए। जिस पंक्ति को लेकर के उन्होंने, जिस चौपाई को लेकर के ये बातें कही है, उन्होंने सफाई भी दे दी है, उन्होंने व्याख्या भी कर दिया इसकी। महागठबंधन अब राम भरोसे चल रहा है। सत्ताधारी दो बड़े दल आरजेडी जेडीयू में खुलकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है तो दूसरी ओर बीजेपी राम के बहाने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को टारगेट कर रही है। यह समझ में नहीं आएगा चंद्रशेखर जी को, इसलिए उनको तुष्टीकरण करके वोट लेना है
किसी को खुश करना है और अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने उप मुख्यमंत्री जी के सामने बहादुर बनना है। हिंदू आस्था पर चोट से सत्ताधारी जेडीयू कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। आरजेडी में भी एक धड़ा रामचरितमानस के अपमान से विचलित है, बावजूद तेजस्वी यादव चुप हैं, जिससे महागठबंधन की गांठ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।